जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज कल मैं लालन जोग लखन लघु लोने बेन बाई अस अही नहोने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सी रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना हैं और ना ही होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुबाऊ तात बाऊ तन लाग नकाऊ ते बन सही विपति सब वांति निद्र कोटि कुलिस ही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वह बन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है। राम जन्मी जगु कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सभी सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वह रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। वैरी राम कर बढ़ाई करही बोलनी मिलनी बिने मन हरही सारद कोटि कोटि सत शेषा करी न सकी प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वह मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख सब रूप रघुवंश मणि मंगल मोद निदान ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान सियावर राम जय श्री राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वह पृथ्वी पर कुशाभिषाका सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान नकाऊ जीवन तरुजमी जोग बहिराऊ पलक नैन फनी मनी यही भांति जोग बही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की वो सांप अपनी मनी की करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी दिग के अमंगल मूला भेसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकेई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उद उदी अवागी सबूत पात उबयू जही लागी कुल कलंक करी सजेऊ विदाता साई दो मोही कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र अभागी को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विदाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु नाथ करी कत बाध विषादु राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय रामी जे निर जो छु दो सुविधि मवामी। जे सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और श्री रामचंद्र जी को आप प्यारे हैं। यही निचोड़ है, दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु किन्ही बावरी तेही राति पुनि पुनि करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीत मुँह कह तू सोही किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए दिर जूहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकेई को बावली बना दिया उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान
अति अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चली करी विश्राम ये विचार दृढ़ आनी मन। सियावर राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ जर बिहारी, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी का संकोच प्रेम और कृपा के दाम है, ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर दरी दीरा, भास चले सुमृत रघुवीरा। जे सुधी पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत बारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरे डरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष जे समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करी परनामा, देहिक के ही गो खोरी निकामा। बरी बरी बारी बिलोचन ले ही, बाम विदात ही दूषण दे ही। व्यवस्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विदाता को दूषण देते हैं। एक सदाही भरत स्नेहु को कह, निरपति निबाहु नेहु। निंद ही आपुस राही निषाद ही, को कही सकी बिमोह विषाद ही। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजन अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के बिमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भा बिनु सार गुदारा लागा। गुरी सुना चढ़ाई सुहाई, नहीं नाव सब मातु चढ़ाई। इस पर का रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी में बा सब उपारा, उतरी भरत सब सभी सवारा। चार घड़ी में सब गंगा जी को पार उतर गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरी सिरुनाई। आगे किए निषाद गए, दीन हुकट कुच लाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ अजर बिहारी, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता जी के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। बोल सियापति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।